من اسمه دواء وذكره شفاء. فاتحة. हज़रत इल्तिमास है कि एक मरतबा फिर सूरह हम्द और तीन मरतबा सूरह इखलास यानी सूरह कुल हुवल्लाह की तिलावत फरमा के मरहूमीन मीर बाकिर अली मरहुमा अमतुल फातिमा मरहूम मीर नासिर अब्बास मरहुमा रज़िया मुश्ताक और जुमला मोमिनीन व मोमिनात मरहूमीन की रूहों को शाद फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صدق الله العلي العظيم एक मरतबा और बुलंद तर मजलिस मजलिस हुसैनी है। इन मजालिस में तरबियत नफ्स और तज़किया नफ्स
और तजल्ली कल्ब और तनवीर ज़हन और इर्तिकाए रूह, ये वो ख़ास आसार व बरकात हैं जो इन मजलिसों में हासिल होते हैं। तन्हा इसमें गिरामी हुसैन भी कोई बयान न हो तो तन्हा ये एक इसमें गिरामी इंसानी वजूद की तत्हीर के लिए काफ़ी है। इंसानी वजूद की तहारत के लिए काफ़ी है। हुसैन, वो हुसैन जिसके लिए रसूल ने फरमाया था हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, जिसके लिए फरमाया था हादा हुसैन फारिफू, जिसके लिए फरमाया था हुसैन सिबतुम मिन अल असबात। असबात के मानी कुरान मजीद की आयतों में तलाश करें और फिर इस हदीस पे गौर करें। गोया हुजूर अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है कि हुसैन तन्हा एक उम्मत है, हुसैन तन्हा एक सिलसिला हिदायत है। तो नाम गिरामी है हुसैन इब्न अली अलैहिम अस्सलातु वस्सलाम। काफ़ी है तत्हीर कुलूब के लिए। ताहम ये भी कि लुत्फ रब्बानी है कि आपके नाम नामी पर जो मजलिसें कायम होती हैं उन मजलिसों में कुरान मजीद की आयतों की तिलावत होती है और उन आयतों की रोशनी में ज़िंदगी के मुख्तलिफ मौजूआत पर रोशनी पड़ती है। मौजूआत बहुत हैं, गुनागुं हैं, लेकिन ख़ुद हर इंसान के लिए सबसे पहले उसकी अपनी ज़ात मुकद्दम है कि वो अपनी ज़ात की मारिफत हासिल करे और अपनी ज़ात की तरक्की की फ़िक्र करें। अब वो दुनियावी तरक्की मकसूद नहीं है, जब मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हर शख्स को अपनी ज़ात की तरक्की की फ़िक्र होनी चाहिए, वो दुनियावी तरक्की सिर्फ़ पेश नज़र नहीं है, ज़ात की तरक्की। जैसे चमन में कोई गुलबुन होता है, कोई किसी फूल का पौधा होता है या कोई भी दरख्त होता है, कोई भी पौधा होता है, वो ख़ुद पौधा नश्व नुमा करता है, यहाँ तक कि उस पौधे में जब वो दरख्त बन जाता है तो फिर फल आते हैं। इसी तरह ये इंसान है, इस शख्सियत को इतना तरक्की करना चाहिए कि इसकी शख्सियत के फल आएँ। इंसान इतना तरक्की कर जाए कि उसके इंसानी वजूद के समरात से दुनिया फैजियाब हो, वजूद के समरात। ये अरजी चीज़ें हैं कि जो घर मकान और सवारियां और धन दौलत आल औलाद ये सब अरजी हैं, जाती नहीं हैं। अरजी और जाती में फ़र्क ये है
कि जाती शय जात से जुदा नहीं हो सकती, आरजी शय जात से जुदा भी हो सकती है। कोई शख्स है, कितनी ही बड़ी उसकी हवेली हो, महल हो, किला हो, पूरा शहर उसका हो, मालिक हो वो, लेकिन अगर किसी बिना पे हिजरत करने पे मजबूर हो जाए तो वो चीज़ें रह जाती हैं, वो तन्हा हिजरत करता है। वो चीज़ें, बस हिजरत का तसव्वुर ज़हन में रखें, हिजरत करते वक्त जो चीज़ें छूट जाएं वो अरजी हैं, जो चीज़ें किसी के छुड़ाए न छूटें वो जाती हैं। मंतिक और फ़लसफ़े में तो अरजी और ज़ाती की बहसें बहुत ही टेक्निकल लैंग्वेज में होती हैं, तो वो उन टर्मिनोलॉजीज़ और डिफिनेशंस को छोड़कर, उन इस्तिलाहों और तारीफ़ों को छोड़कर मैंने ऐसे अर्ज़ कर दिया कि इंशाल्लाह बच्चे भी याद रखेंगे कि ज़ाती क्या होता है और अरजी क्या होता है। अरजी वो है कि जो किसी भी सबब से छूट सकता है, जुदा हो सकता है, और ज़ाती वो है कि जो किसी के छुड़ाए छूट नहीं सकता, वो गोया ज़ाती है। तो अब देखिए कि जो चीज़ अरज़ दुनिया में से है, मैंने अर्ज़ किया जैसे धन दौलत है, घर मकान, हर चीज़ छूट सकती है। जो चीज़ छूट नहीं सकती वो इंसान के नफ्स के कमालात हैं। अगर इंसान के अंदर इल्म है, ये कागज़ पर छपी हुई दो दफ्तियों के दरमियान जिल्द बंद दी की हुई किताबें तो छूट सकती हैं, मगर इल्म अगर है तो वो कभी नहीं छूट सकता। तो ये हो गई चीज़ ज़ाती। इसी तरह इंसान के अंदर कुव्वत सब्र है। अगर इंसान के अंदर कुव्वत सब्र है तो ये कुव्वत इंसान को हमेशा मदद पहुंचाती है और कभी भी साथ नहीं छोड़ती। ये इंसान की ज़ाती सिफत हो जाती है। और इसी तरह इंसान के और तमाम अखलाकी औसाफ हैं। सबसे ज़्यादा मुतवज्जे होना चाहिए इंसान को अपने अखलाकी औसाफ की तरफ। जिसकी तरफ तवज्जो उमूमन कम होती है, अखलाकी औसाफ। देखिए दो लफ्ज़ हैं, एक है खल्क और एक है खुल्क, ज़बर और पेश का फ़र्क है। खल्क से मुराद है ये सामने का जिस्मानी ढांचा, यह है खल्क। और खुल्क वो है कि जो नफ्स के अंदर पाए जाने वाले सिफात हैं, जो आँखों से नज़र नहीं आते हैं, वो है खुल्क, वो है खुल्क। और हज़रत अहदियत ने सरकार ख़त्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी की सताइश करते हुए क़ुरान मजीद में जो उनकी नात लिखी है वो यही है, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। अगरचे आप खल्क के एतबार से भी अजीम थे, मगर हज़रत हक़ ने उनको खुल्क के एतबार से सताइश का मौजू बनाया। एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद। ये खुल्क का जो तस्किरा मैंने किया, इसी का खुल्क और खुल्क और इसकी जमा है अखलाक, जिस पर पूरा एक इल्म अखलाक मौजूद है, एथिक्स या मोरल साइंस या और इस्तिलाहात कुछ भी बना ली जाए उसमें
ज़ाहिर है जब इस्तिलाह बनाई जाती है तो उलमा के नज़दीक कुछ ना कुछ दकीक फ़र्क हर इस्तिलाह के दरमियान होता है, तो वो तो क्लासरूम की बातें हैं, यहाँ पर हम लुब लुबाब अर्ज़ करते हैं। तो जो अखलाक है, खुल्क या खुलुक की जमा अखलाक, वो सिफात जो इंसान की ज़ात में पाए जाते हैं, ये बिल्कुल एक शजरे की मिसाल है। इसकी हर सिफत जो इंसान की ज़ात में पाई जाती है वो दूसरी सिफत से मरबूत होती है, जुड़ी हुई होती है, और वो रब्त और ताल्लुक भी वजूदी होता है। वो रब्त और ताल्लुक ऐसा नहीं होता कि वो ताल्लुक भी टूट सके। हर सिफत का दूसरे तमाम सिफात अखलाकिया से एक ताल्लुक होता है, और वो वजूदी ताल्लुक है, वो टूट नहीं सकता। इसीलिए हमारे और आपके आका इमामुल मुत्तकीन हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक जुमला इरशाद फरमाया है, ये जुमला आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, इसे याद रखिएगा और इसको ज़िंदगी में बरतिएगा। हम लोग उमूमन लोगों से बदज़न जल्द होते हैं और हुस्ने ज़न कम तर ही रखते हैं। आम रवैया यही है, आम रवैया यही है कि हुस्ने ज़न बहुत कम रखते हैं, सुएज़न ज़्यादा है, बदगुमानियाँ जल्दी पैदा हो जाती हैं, और फिर शैतान जो है वो बदगुमानियों को परवान चढ़ाता है। क़ुरान मजीद में ज़िक्र है कि शैतान का काम क्या है, लोगों के दिलों में वसवसे डालना और एक दूसरे को एक दूसरे से मुतनफ़िर करना और जुदा करना, ये काम शैतान का है। क़ुरान मजीद की नस है, एक दूसरे को जुदा करना ये शैतान का काम है। हाँ, ये ख्याल रहे। तो इंसान का काम क्या होना चाहिए, जुदा होने वालों को जोड़ना, काम इंसान का ही। अगर इंसान को अपने वजूद को शैतान से मुमताज़तर करना है, अगर अपने वजूद को अपनी हैसियत को शैतान से मुख्तलिफ और उससे बरतर बनाना है, तो ये याद रखिएगा शैतान का काम है जुदाई डालना, तो इंसान का काम होना चाहिए उन्स व मोहब्बत व उल्फत व मवद्दत को कायम रखना। इख्तिलाफ के बावजूद एक दूसरे से मिलते रहना इंसानियत है, और मुश्तरक कदरों के बावजूद झगड़ते रहना हैवानियत है। मुश्तरक कदरों के बावजूद आपस में इख्तिलाफ करते रहना यही हैवानियत है, और इख्तिलाफात के बावजूद बाहम मिलते जुलते रहना और वहदत को बरकरार रखना ये इंसानियत है। बहरहाल ये सब बातें मैं इसलिए नहीं कहता हूँ कि आप हज़रात बस वाह वाह सुभान अल्लाह और नारे हैदरी लगाकर मेरी बातें मुझे वापस दे के चले जाएं। इसे गिरह में बांधें, इसमें अमल की कोशिश करें, एक सलावत पढ़ें मोहम्मद तो आका का जो इरशाद था वो मैंने अभी अर्ज़ नहीं किया। आका ने इरशाद फरमाया है कि अगर तुम किसी इंसान के अंदर कोई एक खूबी भी देखो तो उसके अंदर उससे मिलती जुलती दूसरी खूबियां भी तलाश करो, और तवक्को रखो कि उसमें और कदरें भी होंगी।
इसी जुमले को अर्ज करने के लिए मैंने कहा था कि हम लोग तो सुएजन पे बिना रखते हैं, हुस्न-ए-ज़न रखते नहीं। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर किसी में एक खूबी, एक अच्छी खसलत देखी तो तलाश करो, उसमें और भी खसलतें होंगी। और ये काम दोनों को करना चाहिए, खुद को भी दूसरों को भी। अपने अंदर छुपी हुई खूबियों को हर वक्त तलाश करना चाहिए, अपनी खामियों को हर वक्त सोचते नहीं रहना चाहिए। कमजोरियां, ये जुमला मैंने गालिबन लाहौर में भी अर्ज किया था कि तरबियत नफ्स के लिए और तरबियत अखलाक के लिए उमूमन मुअल्लिमीन अखलाक ये कहते हैं कि अपनी बुराइयों पर नज़र रखो, अपनी बुराइयों पर नज़र रखो, अपनी बुराई। वो एक अच्छी बात है लेकिन उसकी एक हद होती है। तालीमी तख्लीकी तालीम और तरबियती तालीम और अखलाकी तालीम के लिए ये याद रखिए कि अपनी बुराइयों को हर वक्त देखते रहना इंसान को एहसास कमतरी में मुबतला कर देता है। इंसान जिसे आम इस्तेलाह में कहते हैं डिप्रेशन में मुबतला हो जाता है, अपनी ज़ात से मायूस हो जाता है, ख़ुदकुशी कर लेता है, जिंदा दरगोर हो जाता है। मैं अर्ज करता हूँ अपनी बुराइयों पे नज़र ना डालो, अपने अंदर अच्छाइयाँ ढूंढते रहो। अल्लाह ने मुझे बनाया है तो बेसबब तो नहीं बनाया होगा। अल्लाह की तरफ से अगर अभी तक मैं इस काबिल हूँ कि सांस ले रहा हूँ, जी रहा हूँ, तो फिर कोई ना कोई अल्लाह की उम्मीद मुझसे वाबस्ता होगी। मुझे कोशिश करनी चाहिए कि वो उम्मीद मशीयत पूरी हो जाए। और अल्लाह ने मुझे बनाया है तो फिर अल्लाह ने तो अल्लाह तो अल्लाह है, वो मासूम है, वो हर खैर और हर हुस्न का सरचश्मा है, तो उसने मुझे कबीह तो नहीं बनाया होगा, उसने मुझे बुरा तो नहीं बनाया होगा। अल्लाह ने बनाया है मुझे, शैतान ने तो नहीं बनाया है। अल्लाह ने बनाया है तो अच्छा बनाया होगा। दुनिया वाले बुरे बुरा समझते हैं तो समझें, मैं इन्हें बताऊंगा कि अच्छा हूं, बुरा नहीं हूं। जीने का तो ये सलीका है। और फिर देखिए कि आपके अंदर से क्या कुव्वत पैदा होती है, क्या कुव्वत पैदा होती है। तो आपके अंदर बहुत खूबियां हैं और कोई एक खूबी भी रिकॉग्नाइज हो जाए तो फिर दूसरी खूबियों को तलाश करना चाहिए और इस शजरे अखलाक को परवान चढ़ाना चाहिए। एक सलावात पढ़ दीजिए मोहम्मद। एक और सलावात। अब चूँकि बहरहाल दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है ज़्यादा, तो मैं बहुत तफसील से इस मौजू पे तो गुफ्तगु नहीं पेश कर सकता इस वक्त, वरना ये मौजू है ऐसा जो बेकरा है और ज़रूरी भी है ज़िंदगी के लिए, मोमिनीन के लिए भी और तमाम इंसानों के लिए। अख़लाक़ इंसानी को परवान चढ़ाने के लिए बहुत सी किताबें लिखी गईं, बहुत सी तदबीरें, बहुत से निसाब मुरत्तब किए गए, बहुत से दस्तूरुल अमल मुरत्तब किए गए। उलमाए अखलाक और उलमाए इरफान उमूमन जो दस्तूरुल अमल देते हैं उसे मुख्तसरन दस्तूर कह देते हैं, बहुत से मुरत्तब किए गए, लेकिन इनका कोई हसर नहीं है, कोई तादाद मुनहसर नहीं है, इसलिए कि हर फर्द के लिए एक मुस्तकिल दस्तूर तजवीज़ किया जा सकता है हर इंसान के लिए, क्योंकि हर इंसान की खसूसियात अलग हैं। सब इंसान हैं मगर हर फर्द इनमें से अपनी जगह कुछ इम्तियाजात रखता है जो दूसरा फर्द नहीं रखता। इस एतबार से ये मौजू बहुत ही बेकरा है और मुसलसल तफक्कुर और इफ़ाम व तफ़हीम व तालीम व तअल्लुम और रियाजत का मुतकाज़ी है। ये मफहूम, ये मौजू रियाजत चाहता है, रियाजत चाहता है। रियाजत यानी बागबानी,
रियाजत यानी तरबियत, रियाजत यानी जिद्दोजहद, ये रियाजत का मुतकाजी है। हर इंसान, आप अब हमारे जो बुज़ुर्ग जिन्हें अब उर्फ़ आम में सूफिया कहते हैं, बुज़ुर्ग सूफिया, बुज़ुर्ग मुअल्लिमीन अखलाक, बुज़ुर्ग उरफा, इनके यहाँ वो शख्सियत, वो ज़ात जिसमें शजरे अखलाक इंसानी अपने कमाल तक पहुँच चुका हो, कोई कमी ना हो, बारवर हो, पुरसमर हो, जिस दरख्त की तमाम शाखों की तमाम कलियां चिटक चुकी हों, हर फूल खिल चुका हो और हर कोपल पर समर मौजूद हो, फलों से लदी हुई हों जिस दरख्त की शाखें, अखलाक के एतबार से, शजर अखलाक की, उसी को इंसान कामिल कहते हैं। इंसान कामिल कौन है? इंसान कामिल क्या तारीफ है उसकी? एक तारीफ यह है कि उसके शजर अखलाक की कोई कली अभी बंद ना हो, बल्कि उसकी हर शाख फलों से लदी हुई हो। कोई इल्म हासिल करना चाहे तो वो सलूनी सलूनी कहता हुआ नजर आएगा, कोई खैरात लेना चाहे तो वो कभी भी उसका दर बंद नहीं होगा, उसकी जबान पर ला नहीं होगा, रुकू में होगा तो देगा, जंग में होगा तो देगा। कहीं वो ये नहीं कहेगा कि मैं ये काम कर लूं तो देता हूं, इतनी ताखीर भी नहीं आए, भाई नमाज पढ़ लूं तो देता हूं, मैं जंग से फुर्सत पा लूं तो देता हूं, जहां जिसने मांगा वहीं अता किया, इसे कहते हैं इंसान कामिल। कोई शय मादी अगर तलब करे तो यही कैफियत है, और कोई सवाल करने वाला सवाल करे तो यही कैफियत है। इत्मीनान से कुर्सी दर्स में बैठे हैं, कोई सवाल करे तो जवाब देंगे, और मैदान जंग में हैं और कोई सवाल कर ले तो जवाब देंगे, और सफर के लिए जा रहे हैं, एक पांव रकाब में है, एक पांव रकाब में रखना चाहते हैं, कोई सवाल कर ले तो जवाब देंगे, और हर मौके पे ऐसा जवाब देंगे जो जवाब शाफी और काफी होगा। सलावत पढ़ दें मोहम्मद वाले। उसे कहते हैं इंसान कामिल। ये पूरा शजर अखलाक जो है वो शगुफ्ता है और पुरसमर है, जिसे मैं कह रहा हूं कि फलों से शाखें लदी हुई हैं, है? वो इंसान कामिल है। उनकी मिसालें जाहिर है, मिसाल अव्वल, मिसदाक अव्वल, मिसाल बारिश तो ज़ात गिरामी है मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसीलिए हक सुबहानहु व तआला ने फरमाया कि इन्नक लअला खुलुकिन अज़ीम, बेशक बिततहकीक सच तो यह है कि आप खुल्क अजीम पर फायज हैं। अब यहाँ एक लतीफ़ बात यह है, इन्नक लअला, आला इस्तेला के लिए आता है, आला यानी तख्त नीचे होता है उसके ऊपर जो हो वो आला, आला हर्फ जर भी है, आला फ़ेल भी है, फ़ेल माज़ी भी, आला आला या आलू, आला यानी बुलंद हुआ। तो परवरदिगार गोया ये फरमा रहा है कि हबीब खुल्क अजीम का दर्जा नीचे है, आप तो उससे भी बरतर हैं।
हम जो कुछ भी सोच सकते हैं कि ये खुल्क अजीम का दर्जा है, आखिरी दर्जा इल्म का ये है, आखिरी दर्जा सब्र का ये है, आखिरी दर्जा शुजात का ये, आखिरी दर्जा सखावत का ये है। जहाँ हम आखिरी दर्जा तसव्वुर करें उनकी इब्तिदा उससे ऊपर होती है, वो है ज़ात गिरामी मुस्तफ़ा हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यही शान आपके अज्जाए वजूद की है, यही शान आपके अरकान जमईयत खातिर की है, यही शान आपके अफराद अहले बैत की है के वो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात हो, या हजरत ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की ज़ात हो, या हजरत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की ज़ात हो, या हजरत सैयदुश शुहदा और उसके बाद जो सिलसिला है आइम्मा का, हर एक इस सिलसिले इस्मत का उसी दर्जे पर फायज है। इनको सामने रखकर हमें अपने नफूस को सफरे कमाल पर आगे बढ़ाना है। तो बहरहाल हमारे लिए तो ये बहसें हैं, तालीमी सतह पर भी ज़रूरी, तरबियती हैसियत से भी लाजमी कि हम ये जस्तजू करें कि फिर सफ़र का आगाज़ कहाँ से हो। मैंने बहुत तफसील के साथ इस मरतबा लाहौर की एक मजलिस में अर्ज़ किया कि उम्मुल अकदार तमाम कदरों की माँ, तमाम वैल्यूज़ की असल और जड़ वो मोहब्बत है। और इस पर मुझे इसरार है, ताकीद है, ये कोई तगज़ुल का मज़मून नहीं अर्ज़ कर रहा हूँ, इसलिए कि मोहब्बत किसी बाज़ार में नहीं मिलती। मोहब्बत दिरहम और दीनार से नहीं ख़रीदी जा सकती, मोहब्बत तो कुदरत की अता है, मादर फितरत का फैज़ान है। मोहब्बत ख़ुद पैदा होती है। और मोहब्बत की सरिश्त क्या है, मोहब्बत की फितरत क्या है, आपने गौर किया है? मोहब्बत हमेशा अच्छाई से होती है, बुराई से नहीं हो सकती। और रफा कहते हैं कि मजाजी मोहब्बत जो है वो जीना है हकीकी मोहब्बत का। आप मजाजी मोहब्बत में देख लीजिए, कोई जवान किसी पे आशिक हो गया हो, आप उससे पूछें क्यों तुम्हें इससे मोहब्बत है, क्या कहेगा वो? इसका गुस्सा मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत शातिर है धोखा देने में, फरेब देने में बहुत तेज है, ये बात मुझे पसंद है। दुनिया में मिलेगा कोई ऐसा? अगर फ़र्ज़ कीजिए कि किसी ने किसी ऐसे को पसंद किया कि जो आम तौर पर मेयार हुस्न पर मुकम्मल नहीं है, चेहरे का रंग बहुत सियाह है, काला है, चेहरे पे चेचक के निशान हैं, दाग हैं, कद छोटा है, और फिर भी जो है जनाबे वाला उसके लिए मजनू बने हुए हैं, तो पूछने क्या तुम्हें अच्छाई नज़र आई इसमें जो तुमने मोहब्बत की? सवाल ही ये होता है कि क्या अच्छाई नज़र आई, यानी ये फितरत में मुसल्लमा हकीकत है कि मोहब्बत होती ही अच्छाई से है, मोहब्बत बुराई से हो ही नहीं सकती। और वो भी जवाब देने वाला देगा कि आप सूरत पे ना जाएं, आपको मालूम नहीं इसकी सीरत कितनी अच्छी है, ये वफादार है, ये इताअत शियार है, इसमें ज़हानत है, इसमें वफा है। जब भी सवाल होगा कि किस बिना पे मोहब्बत की, जवाब में कोई अच्छाई पेश की जाएगी, बुराई नहीं पेश की जा सकती।
अब इस फितरी कजिये को समझने समझाने के लिए किसी मकतब की हाजत नहीं है, किसी मकतब मदरसे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी एकेडमी रिसर्च सेंटर इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये मकतब फितरत में तयशुदा है कि मोहब्बत होगी तो अच्छाई से होगी, मोहब्बत होगी तो अच्छाई से ही होगी, वरना मोहब्बत वजूद में नहीं आ सकती, मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती। चूंकि मोहब्बत होती ही अच्छाइयों से है, इसलिए भी मैं अर्ज कर रहा हूं कि तमाम अकदार की जन्म देने वाली मोहब्बत है। आपको जिससे मोहब्बत होगी उसके बारे में मजीद मारिफत हासिल करने की कोशिश करेंगे तो मोहब्बत सबब बनेगी हुसूल इल्म के लिए। किसी के बारे में आप ज्यादा पूछेंगे, जस्तजू करेंगे, मालूमात हासिल करेंगे, क्यों करेंगे? कोई ना कोई ताल्लुक खातिर होगा, कोई उन्स, कोई उल्फत, कोई सबब होगा मोहब्बत आना, जिसकी बिना पे आप उसके बारे में ज्यादा जस्तजू करेंगे। तो मोहब्बत सबब बनी हुसूल इल्म के लिए। अच्छा, हुसूल इल्म हो गया, अब उसके बाद मोहब्बत और शदीद हो जाती है। जैसे जैसे मारिफत बढ़ती है वैसे वैसे मोहब्बत कवी से कवीतर होती है, और जब मोहब्बत कवी होती है तो अब अगर माशूक पे कोई कड़ा वक्त आया तो ये मोहब्बत शुजा बन के सामने आती है। ये मोहब्बत है जो शुजा बन के सामने आती है, सिपर बन जाती है, ढाल बन जाती है, तलवार बन जाती है। मोहब्बत अपने तमाम तकाजों को जब पूरा करने पे आती है तो ईसार पे आ जाती है, सखावत पे आ जाती है। मोहब्बत जब अपना अहद पूरा करने पे आती है तो वफा पैदा होती है। तो आपने देखा जितनी कदरें हैं वो सब मोहब्बत की कोख से जन्म लेती हैं। इसलिए मोहब्बत है उम्मुल अकदार, मोहब्बत है उम्मुल अखलाक, मोहब्बत है उम्मुल औसाफ, मोहब्बत है उम्मुल मनाकिब, मोहब्बत है उम्मुल फवाइल। और इसीलिए अल्लाह ने दीन की बुनियाद भी रखी तो मोहब्बत पर, दीन का अजर दिया तो मोहब्बत, रिसालत का अजर तलब किया तो मोहब्बत। और इसीलिए इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया और अपने जद का कलाम नकल फरमाया, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के कलिमात में ये मजमून मौजूद है कि हलिद दीन इल्लल हुब, क्या दीन मोहब्बत के अलावा भी कुछ है? दीन, दीन निसाब इश्क है, दीन निसाब मोहब्बत है, दीन की असल मोहब्बत है, फरा मोहब्बत है, इसके इसकी कलियां मोहब्बत, इसके फूल मोहब्बत, इसका समर मोहब्बत। दीन की बुनियाद पर दुश्मनियां और लड़ाइयां और नफरतें नहीं पैदा की जा सकती। दुश्मनियां लड़ाइयां नफरतें तब पैदा होती हैं जब दीन में सियासत का जहर घोल दिया जाता। जब दीन में अल्लामा इकबाल ने एक बात कही थी, बहुत मशहूर मिसरा है उनका, हम लोग तो जब स्कूल में पढ़ते थे तो उस वक्त डिबेट हुआ करता था और डिबेट में चंद तलबा जो हैं वो उसकी मौजू के मुआफ़त में और चंद जो हैं उसकी मुखालिफत में तकरीरें करते थे। तो उसमें आम तौर पर स्कूलों में जो डिबेट होता है उसमें एक मिसरा इकबाल का ये दे दिया जाता है, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। तो ये तो हकीकत है कि दीन अगर सियासत से जुदा हो जाए तो फिर सियासत सियासत नहीं रहती, चंगेजी रह जाती है। लेकिन अगर दीन खालिस ना हो, उससे पहले मसला ये है, इकबाल से पूछने का मसला ये है,
कि दीन अगर खालिस ना हो, दीन में सियासत का जहर घोल दिया जाए तो फिर दीन क्या रह जाता है? फिर वही होता है जिसे अल्लामा जमील मजहरी ने फरमाया है, किसे खबर थी कि लेकर चरागे मुस्तफवी, किसे खबर थी कि लेकर चरागे मुस्तफवी, जहां में आग लगाती फिरेगी बूलहबी। ये याद रखिए, बुनियादी तौर पर चिराग का काम रोशनी फैलाना होता है, आग लगाना नहीं होता। तो वजूद मुबारक मुस्तफ़वी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम चिराग है, सिराज है, मिसबाह है, निब्रास है। इसका काम है नूर फैलाना, रोशन करना, आसमानों से ज़मीन तक वजूद के हर गोशे को रोशन करना, इंसानी वजूद को रोशन करना, ज़ाहिर से बातिन तक और बातिन से ज़ाहिर तक रोशन करना। यह है काम वजूद मुबारक मुस्तफ़ा का। और जितने शजरे तय्यबे मुस्तफ़विया के अफराद हैं, मासूमीन, उनका काम यही है, वो वजूद को रोशन कर देते हैं। जो इनकी किरणों से मस हो जाए वो खाकी नहीं, नूरी हो जाता है। तो हम आप जो मुसलसल जिक्र अहले बैत में मशगूल रहते हैं, हमें अपने अपने वजूद को इस लिहाज से ज़रूर गौर करना चाहिए कि हमने कितना जज्ब किया है इस जिक्र मुबारक को, कितनी मारिफत पैदा की अपने वजूद के अंदर, कितनी शुजात है हमारे अंदर, खूए वफा कैसी है हमारे अंदर, सखावत कितनी है हमारे अंदर। ये जायज़ा लेते रहना चाहिए और अपने अंदर छुपी हुई खूबियों को परवान चढ़ाना चाहिए। आज एक बात और अर्ज़ कर दूँ इस वक्त, चूँकि अब अज़ान ज़ुहर का वक्त नज़दीक होता जा रहा है, तो तफसील से तो कोई एक किसी एक अख़लाक़ी क़दर पर गुफ्तगू नहीं हो सकती, लेकिन बहरहाल मोहब्बत के ताल्लुक से जो मैंने अर्ज़ किया ये ज़हन आली में रहे। और फिर गौर करें कि हम में से हर शख्स की ज़बान पर मोहब्बत का लफ्ज़ तो आता है, लेकिन मोहब्बत के मानी नहीं जानते हैं। कई बार कह चुका हूँ मैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ मोहब्बत है, लेकिन लाखों में भी कोई एक मोहब्बत के मानी समझने वाला हो तो मकाम शुक्र है। चूँकि लोग लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इसके मानी और मुहतवा से बेखबर होते हैं, गाफिल, और जो चीज़ मोहब्बत नहीं है उसे मोहब्बत समझते हैं। असल हकीकत मोहब्बत की लोगों की निगाहों से ओझल है, खुदा की तरह। जैसे खुदा है और उसके मज़ाहिर हर तरफ हैं, खुदा की तजल्लियाँ हर तरफ हैं, मगर खुदा की के वजूद से लोग गाफिल रहते हैं। इसी तरह इस कायनात में मोहब्बत इलाहिया की तजल्लियाँ भी हर तरफ हैं, मोहब्बत रब्बानिया की तजल्लियाँ और मज़ाहिर हर तरफ हैं, मगर लोग असल मोहब्बत से बेखबर हैं, मानी भी नहीं जानते मोहब्बत के, हकीकतन मानी नहीं जानते मोहब्बत के, हकीकतन मानी नहीं जानते मोहब्बत के। एक मखसूस नफसियाती कैफियत को मोहब्बत समझते हैं, मोहब्बत उसे कहीं बुलंद और बरतर और मुजर्रद एक नूर है जो अल्लाह दिलों में वदीअत फरमाता है। तो उम्मुल अकदार तो ये मोहब्बत है, लेकिन मोहब्बत के बाद जो और चीज़ें भी शजरे अखलाक में बहुत अहमियत रखती हैं, उनमें एक है सिद्क। सिद्क सच्चाई, ये ख़ुद एक मुफसल बहस है, लेकिन अब बिल्कुल ही तकरीर के अख्तिताम पर इस तरफ गुफ्तगू आ सकी,
जो मैंने आयत आप हजरात की खिदमत में तिलावत की वो सूरह मुबारक हुजुरात की आयत है। सूरह मुबारक हुजुरात अगर मुमकिन हो तो रोज़ तिलावत किया कीजिए, और तिलावत के साथ उसका तर्जमा और उसकी तफसीर और उसके मुहतवा पर गौर किया कीजिए। सूरह मुबारक हुजुरात की तिलावत का एक सवाब यह है, बहुत से सवाब हैं, एक सवाब यह है कि तिलावत करने वाले को ज़ियारत पैगंबर का सवाब मिलता है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो अगर कोई चाहता हो कि रोज़ाना वो उसे सवाब मिले हुजूर की ज़ियारत का, दरे पैगंबर पे हाज़िरी का सवाब मिल जाए, ज़व्वारे पैगंबर में शुमार हो, ये कम सआदत है, तो वो एक मर्तबा सूरह हुजुरात की तिलावत कर लें और फिर गौर करे कि इसमें कही क्या गई हैं बातें। तो वो गौर करेगा तो देखेगा कि बहैसियत फ़र्द और बहैसियत उम्मत उसके अंदर जो औसाफ होने चाहिए, जो अखलाक होने चाहिए, जो मैनर्स होने चाहिए, जो उसके अंदर डिसिप्लिन होनी चाहिए, जो उसके अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मुकाबले में खुजू और खुशू और अदब और लिहाज होना चाहिए, वो तालीम किया गया है। मसलन पहली ही आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाह व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। ऐ ईमान लाने वालों, और ये सूरह मुबारक ऐसा है जिसमें बार बार या अय्युहल्लज़ीन आमनू, या अय्युहल्लज़ीन आमनू, या अय्युहल्लज़ीन आमनू, अगर मेरा हाफिज़ा इस वक्त ख़ता नहीं कर रहा है तो पाँच छोटा सा सूरह है, 18 आयतें हैं सिर्फ, ये 18 आयतों में गालिबन 18 ही आयतें हैं, इसमें पाँच मरतबा या अय्युहल्लज़ीन आमनू आया। ऐ ईमान लाने वालों, यानी खिताब बराहे रास्त आपसे है अगर आप अपने को वाकयन अहले ईमान में शामिल समझते हैं, तो खिताब आपसे है। रोजाना माशूक की आवाज सुनने का जी नहीं चाहता? कोई प्यार से आपको पुकारे, ऐ मेरे बंदे, ये आवाज सुनने का दिल नहीं चाहता? बच्चों की मासूमाना अदा आप समझते हैं? बच्चों की नफसियात पे गौर किया है? बच्चे चाहते हैं कि माँ बाप उसे पुकारें, बेटा, बच्चे पुकारते हैं जब माँ बाप, तो बच्चों को एक हज हासिल होता है और वो अपने को एलिवेटेड फील करते हैं और समझते हैं कि माँ बाप की तवज्जो हमारी तरफ है, हम भी कोई शय हैं, हम अपनी अहमियत का एहसास होता है। तो बच्चों को माँ बाप पुकारते जब हैं तो बच्चों की नश्वनुमा में भी ये आवाज़ मुफीद होती है। जैसे बच्चों को जब माँ बाप पुकारते हैं, बेटा, बेटे, बेटी, बच्चे, उसी तरह अल्लाह जब कहता है या अय्युहल्लज़ीन आमनू, अरे मेरे ईमान लाने वालों, तो मोमिनीन भी एलिवेटेड फील करते हैं अपने को और समझते हैं हमें अल्लाह पुकार रहा है, तो पूरे वजूद के साथ हमतन गोश हो जाते हैं। ये कैफियत सरशारी की अच्छी नहीं लगती? तो क्यों रोजाना सूरह हुजुरात नहीं पढ़ते? क्यों कुरान नहीं पढ़ते? क्यों नहीं उन आयतों की तिलावत करते जिसमें कहा गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों, एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले, तो इस सूरे में पांच मरतबा कम अज कम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा गया है, और फिर मुकर्रर इस सूरे में तकरीबन पांच ही मरतबा तकवा का जिक्र है, और तीन मरतबा गालिबन या चार मरतबा इत्तकुल्लाह का कलिम आया है सिगह अमर के साथ, अल्लाह का लिहाज करो, अल्लाह का। अब आम तर्जुमा भी कर ही दूँ, मतलब ये कि मैं हालांकि उससे
आम लोग तर्जमा करते हैं इत्तकुल्लाह का अल्लाह से डरो, हालांकि मैं मुकर्रर अर्ज कर चुका हूँ, अल्लाह वो शय नहीं है जिससे डरा जाए। अल्लाह तो वो है जिससे मोहब्बत की जाए, अल्लाह तो वो है जिससे इश्क किया जाए, अल्लाह वो नहीं है जिससे डरा जाए। अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है, अल्लाह एक एक फ़र्द से मोहब्बत करता है, अल्लाह अपने मखलूकात से मोहब्बत करता है, और उसने अपने मोहब्बत के सबूत में वो चीज़ें बनाई हैं कि आप गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल अल्लाह से डरो, अल्लाह का लिहाज करो, बार बार कहा गया। और उसके बाद आदाब सिखाया गया। अब ये पहली ही आयत जो थी इसमें कहा गया या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तुक़द्दिमु बैना यदयिल्लाह व रसूलिही। ऐ ईमान लाने वालों, देखो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के आगे न बढ़ जाना। अब ये आगे बढ़ जाने का क्या मफहूम है? अदना सा मफहूम यह है कि इंसान को बताया जाए कि हुक्म खुदा ये है और सुनने के बाद कहे हाँ लेकिन, ये लेकिन की गुंजाइश कहाँ है? कहा जाए कि रसूलुल्लाह का ये इरशाद है, जी हाँ रसूल ने फरमाया था, मगर ये इतना बड़ा मगर किस दरिया से आ गया? हाँ है ना, बहुत सलीस अब गुफ्तगू करने लगा हूं मैं। ये लेकिन और मगर जो है ये कहां से आ गया? इधर आपने कहा लेकिन और मगर, और उधर गोया आपने अपने को अल्लाह से आगे बढ़ाने की कोशिश की, रसूल से आगे बढ़ाने की कोशिश की। अब ये आम उम्मती की तरबियत के लिए है मसला, हर उम्मती के लिए, कि जब रसूल कुछ कहें तो अगर मगर लेकिन ना कहो, उनके मुकाबले में कोई राय कायम ना करो। अब ये रोज़ अव्वल से लेके आज तक और क़यामत तक ये उसूल रहेगा। जो मुज्तहिदीन हैं, सच्चे मुज्तहिदीन और फुकहा, इज्तिहाद कहते हैं अपने वजूद में मौजूद तमाम सलाहियतों को राह मौला में खर्च कर देना, यह है इज्तिहाद। यानी मौला का हुक्म दरियाफ्त करने के लिए अपनी कुव्वत सर्फ करना, न कि मौला के हुक्म के मुकाबले में अपनी राय कायम करने के लिए कुव्वत सर्फ करना। दो चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं। एक ये कि एक शख्स अपना पूरा वजूद सर्फ कर रहा है सिर्फ किस लिए? मालूम हो जाए, कशफ हो जाए, दरियाफ्त हो जाए कि आका का हुक्म क्या है, मौला का हुक्म क्या है। और दूसरी तरफ ये कोशिश कि आका का हुक्म तो मालूम हो गया, मेरी राय क्या है, मैं इसे इस्टेब्लिश करूं, मैं क्या समझता हूं, मैं ये समझता हूं। ये इज्तिहाद जहन्नम में ले जाने वाला इज्तिहाद है, कोई भी हो, कहीं भी हो। अमामा पहन के दाढ़ियां बढ़ा के वो इज्तिहाद करे तो, दाढ़ी न रख के अंग्रेजी लिबास पहन के इज्तिहाद करे तो, अगर इज्तिहाद यह है कि मेरी राय यह है तो जहन्नम में ले जाने वाला इज्तिहाद है। अगर इज्तिहाद इसलिए कि अल्लाह का हुक्म क्या है, रसूल का हुक्म क्या है, तो ये जन्नत में ले जाने वाला इज्तिहाद है। एक सलावात पढ़ दीजिए मोहम्मद। एक मेयार है ला तुक़द्दिमु बैना यदयिल्लाह व रसूलिही, देखो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के आगे अपना कदम न बढ़ाना। और इसी तरह हर आयत, मैंने तो आज बस आगाज किया है गोया, आप हर आयत का रोजाना सूरा पढ़ें और कोशिश करें कि ये सूरह मुबारक ज़बानी याद हो जाए। जब आप पढ़ेंगे तो 40 दिनों में याद हो जाएगा, कुछ ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, और साल में तो 365 दिन होते हैं, 40 दिनों में याद हो जाएगा। और फिर तमाम उम्र पढ़िए इस सूरह को, और इसकी हर आयत के मज़मून पे गौर कीजिए, और उस मज़मून के साँचे में अपनी ज़िंदगी और अपने आदात व अतवार को, आदाब को ढालने की
कोशिश कीजिए। तो फिर वो अदब बंदगी पैदा हो जाएगा कि जो अदब बंदगी आपको कभी खुदा से और खुदा के रसूल से और अहले बैत से जुदा नहीं होने देगा। बस इन तज़किरों का एक बड़ा समरा यही होता है कि वक्त कोई भी हो लेकिन इंसान खुदा और रसूल से जुदा ना हो। इसीलिए करबला एक मिसाली वाकया इस लिहाज से भी है कि हालात कैसे ही हों लेकिन खुदा और खुदा के रसूल से और अहले बैत रसूल से जुदा ना हो इंसान। समझिए करबला का इम्तिहान वो कामयाबी से हल कर गया। अगर ये सिफत पैदा हो जाए, ज़िंदगी में दुश्वारियाँ आती हैं, मुश्किलें आती हैं, रुकावटें आती हैं, लेकिन हर रुकावट पे एक ये फ़ैसला है कि भाई इस वक्त हुक्म खुदा को रहने दीजिए, आप अपने तौर पे काम करके गुजर जाइए। और एक ये कि नहीं, रुकावट है, मुश्किल है तो हो, मुसीबत है तो हो, हुक्म खुदा पे अमल तो होगा। अगर ये चीज़ पैदा हो गई ना तो गोया आप करबला के इम्तिहान में कामयाब हो गए। समझ रहे हैं आप? बस अब आप मुल्तफित हो चुके हैं। करबला नाम ही किसका है? करबला नाम इसी आजमाइश का है। एक तरफ दुनिया है अपनी तमाम जेबाइशों के साथ, अपनी तमाम जेब व जीनत के साथ, और एक तरफ अल्लाह का नुमाइंदा है, एक तरफ जान रसूल है, एक तरफ हुसैन है, और एक तरफ पूरी दुनिया। अगर उसमें भी आपका शजर अखलाक बारवर है तो आप हुर बन के लश्कर हुसैन में आ जाएंगे। इसीलिए मैं अर्ज़ किया करता हूँ कि आका हुसैन का मरतबा तो बहुत बुलंद है, आपके फर्जंदों में हज़रत अली अकबर का रुतबा बहुत बुलंद है, जनाब कासिम का मरतबा बहुत बुलंद है। हमारे आपके जवान और बच्चे अकबर और कासिम नहीं बन सकते हैं। हम और आप हबीब इब्ने मज़ाहिर और मुस्लिम इब्ने औसजा भी नहीं बन सकते, लेकिन अगर बन सकते हैं तो हुर बनने की कोशिश कीजिए। ये हुर और जुहैर दो बड़े किरदार हैं, बहुत बड़े किरदार हैं। हालांकि अब वो अय्याम हैं कि जो असीरी के हालात बयान करते हैं हजरत, लेकिन चूंकि अब तज़किरा आ गया है और अज़ान ज़ुहर में बस दो तीन दकीक़े रह गए हैं, तो मैं इसी तज़किरे को एक मंजिल तक पहुंचा के तमाम करता हूं। हुर का तज़किरा आ गया। हुर बहुत बुलंद किरदार है क़याम क़यामत तक के लिए, तमाम आम इंसानों के लिए और आलम इंसानियत के लिए एक मिसाली किरदार है कि किस तरीके से दुनिया को ठोकर मार के अल्लाह की राह में जान निसार की जाती है। और तन्हा नहीं है, हुर आया है तो हुर के साथ हुर का बेटा भी है, हुर आया है तो हुर के साथ उसका ग़ुलाम भी है, हुर आया है तो उसके साथ भाई भी है। ये एक एक नाम आते हैं, वरना इनके साथ तो गरोह हुआ करते थे। जब हुर आया और आका ने उसकी तौबा कबूल कर ली और फिर उसने इज़्ने जिहाद तलब किया, तो रिवायतों में है कि सबसे पहले उसने अपने जवान बेटे से कहा, बेटा जाओ फर्जंद रसूल पर जान निसार करो। अब बाज़ रिवायतों में, बाज़ तज़किरों में है कि उस बेटे का नाम भी अली था, अली इब्न हुर। अली इब्न हुर गया है मैदान जंग में और उसने बेपनाह जंग की, दाद शुजात दी, और उसके बाद दुश्मनों ने उसे हल्के में लेकर जब इतना ज़ख्मी कर दिया कि उसे घोड़े पे संभला ना गया, तो ज़मीन पे आते आते उसने अपने बाबा को आवाज़ दी, हुर को आवाज़ दी। अब यहाँ बाज़ तज़किरों में आए कि हुर जब पहुँचे हैं बेटे के सिरहाने तो देखा आका हुसैन पहले मौजूद। अजरुकुम अलल्लाह, बस मजलिस तमाम हो गई। एक मरतबा हुर ने फरियाद की, आका फरजंद रसूल, फरजंद जहरा, गुनहगारों पर इतना भी लुत्फ करम होता है,
मैं तो आपका गुनाहगार हूँ, मेरे बेटे के सिरहाने आप तशरीफ ले आए। और उस वक्त आका हुसैन का ये जुमला, होर बूढ़े बाप से जवान बेटे का लश्, क्या ईसार है, क्या कुर्बानी है। यानी वही मकाम जहां इंसान समझता है अखलाक की आखिरी हद ये है, इमाम उससे ऊपर फायज होता है। और बूढ़े बाप से जवान बेटे का लाशा नहीं उठता, बस अजान होने वाली है तो इस जुमले पे तमाम कर दूं, ये वो कह रहा है जो बस एक दो साथ के बाद कभी कासिम का लाशा उठाते हुए नजर आएंगे, कभी औनो मोहम्मद का लाशा उठाते हुए नजर आएंगे, कभी अकबर का लाशा उठाएंगे, कभी नन्हे असगर का लाशा हाथों पर लेकर जेरे आसमान सात मरतबा आगे बढ़ेंगे, सात मरतबा पीछे हटेंगे, और गोया अपनी जबान से कहेंगे जबाने सब्र से चश्मे फलक देख, ये बारे मुसीबत दस्ते हुसैन पर है मगर पाए हुसैन में कोई लख्जिश नहीं आए। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिह। परवरदिगार हमें उलूम कुरान और मारिफ़ अहले बैत से आशना फरमा। परवरदिगार माबूद मिल्लत इस्लामिया को तहज़ीब आले मोहम्मद के सांचे में ढाल दें। माबूद परवरदिगार हमारे सरों पर उलमाए आलाम, फ़ुक़हाए इज़ाम, मुज्तहिद किराम का साया, मुज्तहिदीन किराम का साया हमेशा सलामत रख। परवरदिगार अवामुन्नास को उलमा से हमेशा मरबूत रख, अवाम को उलमा से इस्तिफादे की और उलमा को अवाम की तरबियत की तौफीक करामत फरमा। परवरदिगार हमारे सनों पर मकाम मुअज्जम रहबरी का साया बरकरार रहे, रहबर इस्लाम को हर तरह से अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख। परवरदिगार माबूद अपने वली आखिर को इज़्ने ज़ुहूर अता फरमा और उनके हाथों से अपनी रहमत और राफत और अदालत का परचम लहरा दे। मातम हुसैन, या 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 हुसैन। रन में जाते हुए सर झुकाए हुए, रन में जाते हुए सर झुकाए हुए, शह ने रोकर कहा अलविदा अलविदा अलविदा। रन में जाते हुए सर झुकाए हुए, रन में जाते हुए सर झुकाए हुए, शह ने रोकर कहा अलविदा अलविदा अलविदा। आया वक्ते सफर ए बहन आज हम, आया वक्ते सफर ए बहन आज हम, हो रहे हैं जुदा अलविदा अलविदा अलविदा। रन में जाते हुए सर झुकाए हुए, शह ने रोकर कहा अलविदा अलविदा अलविदा।